अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहता हूँ। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको शीट का जायज़ा कराया, तो इस वीडियो में मैं आपको शीट यूज़ करने का तरीका बताऊंगा, कुछ कुछ इंट्रीज करूंगा। सब तो नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है, थोड़ी थोड़ी इंट्री करूंगा, बताऊंगा किस तरह टोटलिंग होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, ये कंप्यूटर में यूज़ करने का है कि हम कंप्यूटर में कैसे यूज़ करेंगे। फाइल ओपन करेंगे तो इस तरह का प्रीव्यू हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले डैशबोर्ड आएगा, तो डैशबोर्ड पे यही वही मेरी तफसील आ गई। डायरेक्ट पेज पे चलते हैं, लॉजिस्टिक प्लान आ गया जी। जिस तरह मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे वैक्सीन डालेंगे, आपको इसमें डाल के मैं दिखाऊंगा वैक्सीन हम किस तरह डोजेज में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, हमने रिसीव की थी 5000 डोजेज रिसीव की थी, ये देखें जी, बस ये बैलेंस आ गया। अब जो यूज़ होगा खुद बहुत काउंट करिएगा कंप्यूटर, और बैलेंस हमारे पास यहाँ आता जाएगा। आपको बताता चलूँ, यहाँ पे हमने वेस्टेज पॉइंट अप्लाई किया हुआ है, जो वेस्टेज पॉइंट वो बहुत अप्लाई होगा और हमारे पास बैलेंस आता जाएगा। रेड कैप्सूल हमारे पास कितने रिसीव हुए, हमारे पास 4000 रेड कैप्सूल रिसीव हुए, और ब्लू कैप्सूल हमारे पास 1000 रिसीव हुए। जस्ट देखें, एंटर करेंगे और कुछ भी नहीं करना है इस पेज पे। इसके बाद हम जाएंगे ओल्ड माइक्रो प्लान पे। ओल्ड माइक्रो प्लान पे देखें, मैं सिर्फ आपको टीम वन का डाटा एंटर करके सारा दिखाऊंगा, किस तरह माइक्रो प्लान बनता है, किस तरह सारा कुछ खुद को कंपाइल होता है। बाकी टीम 2, 3, 4, 5, 6 सब का तरीका वही सेम है। तो देखते हैं ओल्ड माइक्रो प्लान में इस बार जो एन आई डी आ रही है, इसमें मेरे पास फॉर एग्जाम्पल टीम वन के डे वन में छोटे बच्चे 12 हैं, देखें मैंने एंटर किया, बड़े बच्चे 50 हैं। देखें डे वन का है ये, देखें डे वन टीम वन ये आ गया, टोटल कितना आ गया 62। देखें यहाँ पे 62 आ गया। अब जब मैं एरिया फर्स्ट पे जाऊँगा, देखें एरिया फर्स्ट पे टॉप पे जाऊँगा, ये देखें डे वन में, ये देखें जी 62 टारगेट मेरा यहाँ पे आ गया है। तो ओल्ड माइक्रो प्लान में आपने देखा हमारा क्या फ़ायदा हुआ डेटा डालने का। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, डे टू का डेटा डालते हैं, 12 बच्चे इसमें थे, बड़े 80 थे, ये देखें 92। डे थर्ड में हम यहाँ पे डाल देंगे, ये मैं सिर्फ टीम वन का डेटा डाल रहा हूँ, आप टीम टू का नीचे 3, 4 इस तरह डालते जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 10 थे, और ये देखें जी 60, देखें 62 डे फर्स्ट है, 92 डे सेकंड है, और 70 टीम वन का डेटा जो है 70 है टीम थ्री का। अब हम टीम एरिया फर्स्ट में टीम, ये देखें एरिया फर्स्ट का इसके नीचे ये टीम्स हैं, एरिया टू की ये टीम्स हैं, एरिया थ्री की ये टीम्स हैं, एरिया फोर की ये, एरिया फाइव, इसी तरह हम डेटा एंटर करेंगे एरिया वाइज के मुताबिक। तो अब चलते हैं एरिया फर्स्ट में, देखें फर्स्ट डे का 62 टारगेट है, सेकेंड डे का 92 टारगेट है, थर्ड डे का 70 टारगेट है। देखें ये चीज़ है ओल्ड माइक्रो प्लान में डेटा एंटर करने का, ये फ़ायदा है। देखें टोटल, ये टोटल लाइन है, जिस तरह हमारा बिल्कुल वो शीट टू बी फॉर्म होता है, डेली रिपोर्टिंग फॉर्म, उस ये बिल्कुल उसी तरह बना हुआ है। उसमें भी इस तरह, उसमें सिर्फ ये कैप्सूल जो लास्ट में कैप्सूल हैं वो नहीं होते, मैंने इसमें ये भी डाले हैं ताकि हमें कैप्सूल के भी जायजा का पता चल सके कि कितना बैलेंस है, कितना यूज़ हो रहा है। तो ये देखें टोटल खुद बहुत हो गया, हमारा 62 टारगेट था डे फर्स्ट का। इस तरह जब हम एरिया टू टीम टू का डालेंगे, टीम थ्री का, टीम फोर का, तो ये खुद बहुत यहाँ पे टोटल होता जाएगा। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे, फिर भी आपको बताता चलूँ, अगर कहीं भी आपको परेशानी हो तो इसकी इसी फाइल में, डैशबोर्ड में मेरे तमाम कॉन्टेक्ट नंबर, मेरे वेबसाइट, मेरे यूट्यूब सब कुछ अवेलेबल है। आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ये एच जो है, यहाँ पे हम हाउस इंटर करेंगे, जिस तरह टीम वन के डे वन में हाउसेज हैं 50, ये देखिए मैंने 50 इंटर किया, ये देखें जी टोटल बहुत हो गया, ठीक है जी। फिर इस तरह फैमिलीज एंटर करेंगे, 13 फैमिलीज थी, बच्चे छोटे जो बच्चे थे मैंने वैक्सीनेट किए 10 हैं, और बड़े जो हैं 40 वैक्सीनेट किए, ये देखें जी ये टोटल बहुत हो गया। टोटल ए बच्चे हमारे पास 50 आ गए। अब स्ट्रीट चाइल्ड एक छोटा था, 2 बड़े थे, ये देखें जी 3 ये भी हो गए। अब ये NA1, NA2 पे समझते जाएं, ये NA1 छोटे मिस बच्चे हैं, NA2 बड़े मिस बच्चे हैं, R1 छोटे रिफ्यूज़ल हैं, R2 बड़े रिफ्यूज़ल हैं। तो छोटे वन हमारे पास मिस थे 2, और बड़े थे 4, ये देखें 2 मिस थे, 4 2 छोटे मिस थे, बड़े 4 मिस थे, रिफ्यूज़ल हमारे पास एक छोटा था, 3 बड़े थे,
रिफ्यूज़ल अल्लाह करे ना हो, बड़े मसाइल पैदा होते हैं, लेकिन आप उनको डेटा बताते जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, अब ये C1 कवर है जो NA में जो बच्चे कवर हुए हैं, C2 बड़े जो कवर हुए हैं, रिफ्यूज़ल कवर RC, रिफ्यूज़ल कवर 1, RC रिफ्यूज़ल कवर 2, ये स्कूल आ जाएगा, ये गेस्ट, ये HRMP बच्चे जो हमारे पास खास तौर जो तलब आबादी वाले बच्चे होते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ये नोमलूद बच्चे आ जाएंगे और ये AV ऑलरेडी वैक्सीनेटेड बच्चे आ जाएंगे। तो एंटर करते चल रहे हैं, हमारे पास दो मिस बच्चे थे, हमने एक कवर किया। देखें जी, यहाँ पे रिफ्यूज बड़े चार थे, दो कवर किए। ये देखें जी, टोटल हमारे पास 6 मिस बच्चे थे, 6 थे NA थे, 3 कवर किए, और ये देखें टोटल NA अब 3 बच गए। रिफ्यूज़ल देखें, रिफ्यूज़ल 4 थे, अभी कोई कवर नहीं किया तो 4 ही हैं। अब हम जैसे रिफ्यूज़ल में एंट्री करेंगे, एक रिफ्यूज़ल कवर हो गया और 2 रिफ्यूज़ल बड़े कवर हो गए, ठीक है जी। ये देखें हमारे पास रिफ्यूज़ल 1, इस तरह देखें, इस तरह ये डेटा खुद बहुत कंपाइल करेगा। ये नीचे मज़े की बात, वो डेटा तो कलेक्ट हो रहा ही है, ये नीचे देखें खुद बहुत टोटलिंग हो रही है। स्कूल में हमारे पास 10 बच्चे थे, गेस्ट हमारे पास 2 थे, HRMP 1 आ गया, नोमलूद 1 आ गया, AV 2 आ गए, ठीक है जी। ये देखें आप हमारे खुद बहुत सारे बच्चे, ये देखें ये टोटल A+B+C प्लस रिफ्यूजल कवर प्लस स्कूल गेस्ट कवर हो गए, उसमें माइनस हो गए AV, और टोटल हमारी कवर जा गई 69, जबकि NA 3 है, रिफ्यूजल 1 रह गए, ठीक है। अब यहाँ VR का मतलब है वैक्सीन रिसीव्ड, हमने वैक्सीन कितनी दी टीम को, हमारा टारगेट 62 था तो हमने 80 वैक्सीन दी थी। ये देखें डोजेज में, ठीक है ये याद रखें, डोजेज में लिखेंगे 82, 80 वैक्सीन दी थी हमने, 77 ऑटोमेटिकली यहाँ पे, ये देखें पहले 0 लिखा हुआ था, 77 यूज हो गई, 69 था, यहाँ पे वेस्टेज पॉइंट अप्लाई होके लगा है, ये आपको मैं बताता चलूँ, वेस्टेज पॉइंट अप्लाई होके यहाँ पे वैक्सीन यूज हुई है, बैलेंस हमारे पास ये। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, साथ साथ बताता चलूँ कैसे आपने शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अनयूजेबल वाइल्स 0 हैं हमारे पास, AFP वही बच्चे जो FP हैं तो वो 0 हैं, यहाँ पे 0 डोज 1 आ गया, यहाँ पे रेड कैप्सूल रिसीव्ड 60 आ गए, देखें 58 यूज हो गए, 2 रिटर्न हो गए, ये खुद बहुत काउंट करेगा जो वो रेड कैप्सूल, ये देखें बड़े बच्चे खुद बहुत काउंट करके उन पर कैप्सूल अप्लाई करके खुद बहुत बताएगा, इतने बड़े कैप्सूल रेड कैप्सूल हमारे लगे हैं जो हम 1 साल से 5 साल तक के बच्चों को पिलाते हैं, और 2 बैलेंस रह गया। तो हमने इसमें सिर्फ क्या एंटर किया, कितना रिसीव कितने हुए थे कैप्सूल, 0 डोज, ये जो ब्लैंक खाने हैं इसमें हमने डेटा एंटर करना है। इसके बाद ब्लू गिवन यूज्ड, तब मैंने नहीं लिखा कि यूज्ड, अक्सर हमारे पास बच्चे कम होते हैं, ये इसका कोई कोई पॉइंट है नहीं जिसके मुताबिक हम इसका हल निकालें, तो यहाँ खुद लिखेंगे हमारे ब्लू कितने गिवन, हमने 10 दिए थे और हमारे 3 जी, ये देखिए ये साबित हो गए, जब ये देखिए टोटल कंपाइलेशन शीट आपकी आ गई, ये देखिए कंपाइलेशन शीट खुद बहुत टोटल हो गई है। अब इसके साथ ऐसे मिसाल के तौर पर अगर देखें, मैं यहाँ 10 ऐड करता हूँ, ये 50 था, ये 60 हो गया, ठीक है, तो ये खुद बहुत काउंट करेगा। इसी तरह फिर डे 2 का डेटा हम एंटर करेंगे, इसी तरह डे 3 का भी डेटा एंटर करेंगे, तो ये कंप्यूटर क्या करेगा, ये देखें जी कैचअप का टारगेट, कंप्यूटर क्या करेगा, इसे खुद बहुत टोटल करेगा। पहले दिन में हमारे मिस बच्चे 3 थे, रिफ्यूज़ल 1 था, कैचअप टारगेट में खुद बहुत टीम 1 का टोटल आगे, 4 बच्चे हमारे कैचअप के डे 1 में थे। जब इसे हम टोटल तमाम दिन के लिखे तो यहाँ पे सारे दिनों के NA और रिफ्यूज़ल आ जाएंगे, जिसमें छोटा 1 था, बड़े 2 थे, रिफ्यूज़ल छोटा नहीं है बड़ा 1 है, तो इसमें जस्ट कवर लिखना है, तो ये खुद बहुत शीट फाइनल हो जाएगी। अब नीचे आते हैं, ये देखें टीम 1 में डे 1 का रिकॉर्ड खुद बहुत यहाँ पे आ गया है, कितने मज़े की बात है। इसी तरह जब डे 2 का लिखेंगे वो भी, ये देखें टारगेट लिखा था हमने ओल्ड माइक्रो प्लान में 92 70, वो खुद बहुत टोटल हो रहा है यहाँ सब कुछ। टीम 2 का 3rd 4th का नहीं लिखा, सिर्फ आपको बताने के लिए मैं कर रहा हूँ, बाकी आप खुद डेटा इंटर करके देख लेंगे कि ये किस तरह फंक्शन करती है। आप देखें, ये देखें डे 1st में हमने 50 हाउसेस किए थे, 13 फैमिलीज, 14 छोटे बच्चे, 59 टोटल 73 बच्चे हमारे पास बने। ये हमारा नेक्स्ट माइक्रो प्लान का टारगेट है,
वैक्सीन पे 81.03 डिमांडेड है, रेड कैप्सूल ये हैं, रेड कैप्सूल और ब्लू कैप्सूल पे फार्मूला अप्लाइड है। अब किसी को पता ना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं क्या फार्मूलाज हैं, मैं आपको कमेंट्स में शो कर दूंगा। HRMP खासतौर जो तलब बच्चे हमने एक लिखे थे वो भी एक आ गया है। तो देखें ये चीज़ होती है, हम डेटा एंट्री में हमें इस तरह आसानी से ये डेटा खुद वो खुद कलेक्ट कर, ये देखें एरिया माइक्रो प्लान में भी आ गया, उसके बाद स्कूल के बच्चे 10 थे टीम वन के, ये खुद बहुत सारे दिनों के टोटल यहाँ पे होंगे, तो ये आ जाएंगे सारे यहाँ पे। इसके बाद ये देखें हाउसेज में हमारे पास 50 हैं, 56 ए प्लस सी हैं, 10 स्कूल बच्चे हैं, ये भी खुद बहुत टोटल होते जाएंगे। इसी तरह हम एरिया 2 का डेटा डालेंगे, एरिया 3 का, एरिया 4, 5, 6 का, तो फाइनल में ये देखें यूपेक रिपोर्ट में हमारे पास डेटा सारा आ गया है। ये देखें डे वन का टोटल डेटा हमारे पास आ गया है, जिस तरह बाकी एरियाज के हम डालेंगे तो खुद बहुत जो उसका टोटल डेटा होगा वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिक्स पे डालेंगे, अब फिक्स पे बताते चलूँ, देखिए एरिया फर्स्ट में मैं गया, टॉप पे गया, डे फर्स्ट, ये देखें छोटे बच्चे मैंने फिक्स पे 2 किए थे, यहाँ पे लिखूँगा, बड़े 1 किया था, टोटल 3 हो गए जी। वैक्सीन गिवन 20 थी, ये देखिए 20 पे ये वैक्सीन वेस्टेज पॉइंट के साथ अप्लाइड हो गई, ये बैलेंस आ गया। अब इस तरह ब्लू गिवन 5 थे जी, 1 लगा, देखें ये रिटर्न आ जाएगा खुद बहुत। यहाँ पे रेड गिवन हमारे पास 44 थे, ये 1 लगा, 43 रह गए। इस तरह ये खुद बहुत डेटा कलेक्ट करेगा। यूपेक पे जाए तो ये देखें एरिया फर्स्ट का, अगर हमारे पास किसी एरिया में फिक्स टीम नहीं है तो उसे हम खाली छोड़ देंगे, तो ये खुद बहुत यहाँ पे खाली आ जाएगा। और ये देखें जी ये टोटल डेटा हमारे पास आ गया यहाँ पे, और ये देखें टारगेट हमारे पास 62 था, ये टोटल कंबाइन होगा तमाम एरियाज का, टोटल टारगेट ये था, छोटे बच्चे इतने हुए, ये सब जो कंपाइल शीट है सब में से छोटे बच्चे बड़े बच्चे अलग करके टोटल बनाएगा उसका, फिर उसमें एनए टोटल कितने थे देखें 10 थे, एनए यहाँ पे जो एनए इसमें रिफ्यूजल में काउंटेड है 10 थे, 6 कवर हो गए, 4 हमारा बैलेंस, 4 एनए स्टिल में बच्चे रह गए, वैक्सीन रिसीव्ड इतनी थी, 76 ये हुए थे, ये वगैरह वगैरह सारा कुछ हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें अब जब हमने शुरू में वैक्सीन डाली थी, ये देखें वैक्सीन हमने जो डाली थी 5000, ये टोटल जो हम मैसेज बनाते होते हैं फाइनल में, वो मैसेज यहाँ पे हमारे पास कि हमारा टारगेट कितना था, अचीवमेंट कितनी हुई है, एनए कितने हैं, कवर कितने हुए, टोटल रिफ्यूजल कितने हैं, रिफ्यूजल कवर कितने हुए, ये हो कवरेज हमारी 1 यानी कवरेज परसेंटेज भी बताएगा हमारी परसेंटेज आज क्या थी। ये देखें जी उसके अलावा ये रिसीव हमारे पास 5000 UC की वैक्सीन आई थी, इसमें से इतनी लगी वो 49 उसमें जो लग गई वो हट गई, और जो बैलेंस है वो ये आया 4000 कैप्सूल थे, अब इतना बैलेंस है, ये ब्लू कैप्सूल इतने थे, ये बैलेंस है। देखिए इस शीट में इस तरह डेटा खुद बहुत टोटल हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको शीट पसंद आई होगी, काम भी पसंद आया होगा। अब आपको एक कंप्लीट शीट में बताता चलूँ, जिसमें मैंने अपनी एरिया 5 है मेरे पास, उसमें मैंने डेटा एंटर किया हुआ है, देखें वो किस तरह माइक्रो प्लान को टोटल किया हुआ उस शीट में। तो जस्ट आपको दिखा रहा हूँ, इतना टाइम नहीं है कि सब में मैं डेटा एंटर करूँ। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गई होगी, फिर भी अगर आप किसी किस्म की भी मसला हो, किसी किस्म का भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं, तमाम रابطہ मेरे पास, तमाम रابطہ नंबर वगैरह सब कुछ मैंने पेज पे दिए हुए हैं। ये देखें एरिया 5, यहाँ से हम एरिया 5 ओपन करेंगे, ये देखें मैंने डेटा एंटर किया हुआ सारा डेटा एंटर, डे 1, डे 2 और डे 3, देखें ये डेटा मैंने एंटर किया हुआ है, ये कैचअप का भी मैंने एंटर किया हुआ है। ये देखें ये मैंने माइक्रो प्लान बनाने के लिए डेटा एंटर किया तो माइक्रो प्लान बन गया था, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें जी ये रिफ्यूजल कवर वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पे लिखा है मैंने, ये टीम 1 का रिकॉर्ड खुद बहुत टोटल हो गया है, टीम 2 का ये देखें नीचे खुद बहुत टोटल हो गया है, टीम 3 का भी खुद बहुत टोटल हो गया है, टीम 4 के भी। इस तरह फिक्स टीम मेरे पास नहीं है, ये जिस मैंने चेक किया था उसमें लिखा था, इसे मैं हटा दूंगा, ये फिक्स टीम का भी आ जाएगा। नेक्स्ट माइक्रो प्लान ये देखें मेरा नेक्स्ट माइक्रो प्लान तैयार है, ये देखें उसमें खुद बहुत बच्चे भी आ गए, टीम 1 के, टीम 2 के, वैक्सीन कैप्सूल्स, HRMP सब कुछ डेटा खुद बहुत कलेक्ट हो गया, फिक्स टीम का भी आ गया। ये देखें एरिया माइक्रो प्लान खुद बहुत, ये देखें टीम 1 का टोटल, टीम 2 का, टीम 3 का टोटल, फिक्स वगैरह का टोटल, ये अदर डिटेल, ये देखें मेरे पास टोटल 26 गेस्ट थे, स्कूल चाइल्ड कोई नहीं है, 86 ट्रांजिट वगैरह के बच्चे थे, फिक्स के स्ट्रीट चाइल्ड और AV 12 थे, और 2 0 डोज थे वगैरह वगैरह, सब टोटल हो गए। ये जो एरियन चार्ज का खुलासा बनाते होते हैं ये देखें
ये खुद ब खुद उसमें टोटल हो गया। मेरा नेक्स्ट टारगेट है 778। तो आपको बताता चलूँ, एरिया माइक्रो प्लान में जब ये देखें जी, 778 मेरा नेक्स्ट माइक्रो प्लान है। 12 AV हैं ये देखें जी, 26 गेस्ट थे ये देखें, 86 बच्चे अदर्स थे जो BTF थे, 678 बाकी है प्लस सी जो मैंने घरों पे कवर किए और घरों में जो वैक्सीनेट किए उनके। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत आसानी से मैंने आपको पेश किया ताकि आप समझ सकें। फिर भी मसाइल हो सकते हैं, आपको किसी किस्म का भी मसला हो, किसी किस्म की परेशानी हो, तो आप मुझे व्हाट्सएप करें, यूट्यूब पे जिस तरह रब्ता कर सकते हैं, फर्स्ट पेज डैशबोर्ड पे तमाम रब्ता के तरीक़ाकार मैंने दिखाया हुआ है। आप मुझे कमेंट में हर किस्म जिस तरीके से चाहें रब्ता कर सकते हैं, तो रब्ता करें, मैं आपकी इंशाल्लाह हर वक्त हाजिर हूँ आपकी मदद के लिए। इसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया था, वो आपको मैं बताता चलूँ। ये देखें टोटल रिकॉर्ड में टीम वन के नीचे ये जो कैचअप AV हैं, जो कैचअप में जो AV बच्चे आ जाते हैं वो यहाँ पे सिर्फ हम इंटर करेंगे। देखें डे फर्स्ट में कैचअप AV अगर हमारे 3 थे तो उसमें छोटे कितने हैं बड़े कितने हैं, क्योंकि ये हमारे माइक्रो प्लान में से AV माइनस होगा, तो खुद बहुत यहाँ जब इंटर करेंगे तो कैचअप वाले AV भी हमारे माइक्रो प्लान से माइनस हो जाएंगे। इस तरह डे टू में छोटे बच्चे जो कवर किए हैं कैचअप में, और डे टू के जो बच्चे कवर AV हैं, डे टू के जो AV हैं उसमें छोटे कितने हैं उसमें बड़े कितने हैं, डे थ्री में जो AV बच्चे हैं टीम वन के उसमें छोटे बड़े, इस तरह टीम टू के, ये चीज़ें साथ में आप इंटर करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, कुछ भी ना करें जस्ट एक बार इस्तेमाल करके देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो फाइल डाउनलोड करने के लिए नीचे मैंने वीडियो के साथ लिंक दिया हुआ है, और मोबाइल पे यूज़ करने का तरीके भी बताने दिखाया है मैंने, उसका भी लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप मोबाइल में कैसे इस फाइल को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।